सो हेलो एवरीवन एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने पास आई है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। और ये गाड़ी की खासियत ये है कि इस पर लगे हुए हैं, ये देखो, गुर सेवक के एग्जॉस्ट। तो ये गाड़ी एक ट्विन सिलेंडर है, तो ट्विन सिलेंडर के हिसाब से अगर गुर सेवक के एग्जॉस्ट लगाते, मतलब एक तो पहले से ये गाड़ी की खासियत है कि इसमें अगर गुर सेवक डाल दिया तो आतंक मचाती है। तो मैं सबसे पहले तो इसका एग्जॉस्ट सुना था आपको। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब इसका एग्जॉस्ट सुनना। ओहो, क्या एग्जॉस्ट आ रहा है, मतलब बैक फायर के साथ आ रहा है। मान लिया भाई, ये एग्जॉस्ट की जो मजा है ना वो एकदम अलग ही मजा है। तो बात, ये गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन तो है नहीं इतना, मतलब एग्जॉस्ट डाले हुए साइड गार्ड से, ये भाई ने थोड़े हैंडल बार भी लगा दिया है, वो प्रो टेपर का स्टाइल के लिए ही होता है, कुछ काम का नहीं है। और बाकी बात करूँ इसके फोक की, तो टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं इसमें नॉर्मली। और इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13.7 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, और पावर कुछ 47.65 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी। तो मतलब भाई बहुत पावर गाड़ी है। और ये गाड़ी एयर ऑयल कूल है। दूसरी की बात करूँ तो यहाँ पे लगा है उसका जो ऑयल फिल्टर रहता है वो है, तो देखो इसका ऑयल फिल्टर एकदम अलग ही दिया गया। बस बाकी तो ये ट्विन पैरेलल इंजन वो नॉर्मल इंडिकेटर, बाकी गाड़ी तो स्टॉक ही इतना कुछ है नहीं। लेकिन जो ये कलर सेक्सी लगता है ना मोस्ट ऑफ, मतलब अगर कोई भी ये गाड़ी लेता है तो कलर यही लेता है, क्योंकि ये जो सिल्वर और ब्लैक और ये सब कॉम्बिनेशन है वो एकदम अलग ही लुक देता है गाड़ी को। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते और ये गाड़ी को चलाते और थोड़ा इसके मज़े लेते। तो पहले इसको थोड़ा स्लो चलाएंगे क्योंकि ये गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो अपने को इतनी जमरी नहीं है, और RC पैसा झुक के चलाना रहता है, और ये टायर एकदम कम्फर्टेबल टूरियर बाइक, तो इसमें भी मज़ा आ रही है। बस साउंड की जो मज़ा लेना है ना गाड़ी पर वो है साउंड की। क्या पटाखे फोड़ रही भाई गाड़ी, मतलब अगर रॉयल इनफील्ड ने एकदम गाड़ी बनाई है सबसे पावर तो वो है ये। मतलब GT भी है बट दोनों 650 है, तो वो हिसाब से गाड़ी रॉयल इनफील्ड की यही मेरे को पसंद है। बाकी बुलेट वुलेट तो जर्रा भी अपने को पसंद ही नहीं है पहले से, ये गाड़ी 650 CC है, तो वो हिसाब से मैं बोला कि इसको चलाते मज़ा आएगा। और अभी इसके बाद अपन करने वाले इसका माइलेज टेस्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 650 CC का भी माइलेज टेस्ट होना चाहिए और मेरे को करना चाहिए, तो कमेंट करो कि भाई इसका माइलेज टेस्ट बनाओ। तो आज तुमको बता दूंगा कि 650 CC भी कितना एवरेज देती है। तो अभी इसको हाईवे पे लेके जाते और थोड़ा भगाते, और अब इसको थोड़ा भगाएंगे और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे। क्या ही एग्जॉस्ट है भाई, बैक फायर छोड़ रही है गाड़ी। क्या ही बैक फायर छोड़ रही है भाई, अगर आपके पास भी इंटरसेप्टर है तो उसमें घुरसे की डालो, क्योंकि ये एग्जॉस्ट की मजा ही अलग है। तो अब यहाँ अपने को मिलेगा थोड़ा खाली रोड, और यहाँ से व्यू देखो क्या लग रहा है। तो चलो इसको थोड़ा भगाते हैं।
भाग रही है भाई गाड़ी। अब सुनना इसका रियल एग्जॉस्ट नोट। भाई आज बाजू वाले पब्लिक बोले क्या आ गया, ये क्या ही साउंड था इसका। और इसके रिएक्शन है वो एकदम अलग ही आ रहे हैं आज, क्योंकि इसका जो साउंड है ना वो सुपर बाइक के साउंड से कम नहीं है। और इसकी हैंडलिंग, मतलब मैं अगर भगा रहा हूँ ना तो थोड़ा वॉबल फील होता है, बाकी इसका स्पीडोमीटर तो एरर है, तो इतना स्पीड क्या जा रही हो आइडिया नहीं हो रहा है अपने को। तो जो आपको एक मेन डिटेल थी वो दे देता हूँ मैं लास्ट में, क्योंकि अभी व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। तो जो ये इसका एग्जॉस्ट है घुड़सवार का, वो आता है कुछ 18,500 में, मतलब मुंबई में ये प्राइस चल रहा है, आपके यहाँ तो अलग अलग प्राइस ही चलते होंगे, बट 18,500 में मैंने ये एग्जॉस्ट लिया है। तो अगर आपको भी किसी को एग्जॉस्ट चाहिए रहेगा तो मेरे को DM करो, तो मैं आपको शॉप का एड्रेस दे दूँगा। अगर मुंबई में रहते हो तो आप शॉप पर विज़िट करो, वहाँ पर ये लो एग्जॉस्ट और गाड़ी चलाओ मस्त। तो चलो ये व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे कोई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।